वेलकम टू माय चैनल दैट्स कॉल अ गर्ल और मैं हूं कांक्षा। आज की वीडियो एक रिव्यू कम कंपैरेटिव वीडियो है। आज के इस वीडियो में मेरे पास दो प्रोडक्ट हैं, एक है विश केयर का एएचए प्लस बीएचए बॉडी लोशन और दूसरा है इनका कोलेजन रेटिनॉल बॉडी लोशन। आज की इस वीडियो में मैं इन दोनों प्रोडक्ट का क्विक रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूंगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि इनमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हें आपको कैसे यूज करना चाहिए, किस टाइम यूज करना चाहिए और आपके लिए कौन सा इन दोनों में से लेना ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ये सारी की सारी बातें हम आज की इस वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं। ये जो प्रोडक्ट है इसे यूज करते हुए मुझे करीब 4 महीने हो गए हैं और इसे मैंने करीब 1 महीने पहले परचेस किया था, तो इसीलिए मैंने इन दोनों ही प्रोडक्ट को इनफ टाइम दिया है ये सारे के सारे कमेंट्स करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं सिमिलैरिटी से। जो जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों ही ये जो प्रोडक्ट है सिमिलर काइंड ऑफ पैकेजिंग में आपको मिलते हैं। 200 ml क्वांटिटी इन दोनों ही प्रोडक्ट में आपको मिलती है और दोनों की ही MRP है 499 rupees। लेकिन Amazon और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इस पे अच्छे खासे ऑफर मिल जाएंगे। आप इन दोनों को लेने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको कहूंगी कि जब विशकेयर की बाय वन गेट वन सेल लाइव हो उस टाइम इन्हें लीजिएगा। तो जब सबसे पहली बार मैंने एएचए बीएचए वाले बॉडी लोशन के बारे में आपसे बात की थी तभी भी मैंने मेंशन किया था कि ये पहला बॉडी लोशन है एएचए बीएचए वाला जो मैंने ट्राई किया है और अगेन ये भी मेरा पहला रेटिनॉल बेस्ड बॉडी लोशन है। तो इन दोनों ही प्रोडक्ट के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है ये शेयर करने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ये हो गई पैकेजिंग और प्राइस पॉइंट की बात, अब बात कर लेते हैं कंसिस्टेंसी की। तो ये है रेटिनॉल वाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रीमी कंसिस्टेंसी में आपको मिलता है और ये है एएचए बीएचए वाला, ये भी आपको क्रीमी कंसिस्टेंसी में मिलता है लेकिन रेटिनॉल वाले में आपको कलर नहीं मिल रहा जबकि एएचए बीएचए वाले में आपको कलर मिल रहा है। ये दोनों ही बॉडी लोशन में एग्जैक्टली सेम फ्रेग्रेंस यूज की गई है लेकिन अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट या फिर इन प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट में चेकआउट करेंगे तो आपको फ्रेग्रेंस या फिर डाई नहीं दिखाई देगी। जो मुझे इस ब्रांड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगता है कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है जब बात आती है इंग्रेडिएंट की। बट एनीवे आज के इस वीडियो में इन प्रोडक्ट्स को मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जज करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दोनों ही बॉडी लोशन है इनकी कंसिस्टेंसी काफी हद तक सिमिलर है, जेल क्रीम काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी में आपको मिलते हैं लेकिन ये जो रेटिनॉल वाला है जब मैंने इसे अपनी बॉडी पे लगाया तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी सकती हूँ तो ये थोड़ा वाइट वाइट हो जाता है जब आप इसे रब करते हैं और स्पेशली अगर आप इसकी थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी अप्लाई कर ले तो इसे एब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा टाइम लगता है जैसे कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। तो जब आपकी स्किन इस टाइप से वाइट हो जाए तो मैं आपको कहूंगी इसे एक ही बारी में रब करने की जगह थोड़ा सा टाइम दे, 30-40 सेकेंड के बाद ये अपने आप से ही सेटल डाउन हो जाता है और उसके बाद जब आप इसे रब करेंगे तो ये इजीली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। यही टाइप की प्रॉब्लम थोड़ी सी एएचए बीएचए वाले बॉडी लोशन के साथ भी है लेकिन इस कंपैरेटिवली ये वाली प्रॉब्लम एएचए बीएचए वाले बॉडी लोशन में कम है बट रेटिनॉल वाले में ज्यादा है। थोड़ी देर के बाद ये दोनों ही अच्छे से आपकी स्किन में संकिन हो जाते हैं जैसे कि आप अगेन यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एक और भी चीज मैंने रेटिनॉल वाले के साथ ऑब्जर्व की कि एक बार जब ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। आई डोंट नो कि आप रिलेट कर पाएंगे या नहीं, जब ह्यूमिड वाला वेदर होता है और आप कोई बॉडी लोशन अपनी बॉडी पे लगा ले तो यहाँ की स्किन जब आप ऐसे करते हैं ना तो थोड़ा चिप चिप जैसा या फिर पसीने जैसा आपको फील होता है लेकिन इन दोनों ही बॉडी लोशन की अच्छी बात यह है कि इन बॉडी लोशन को लगाने के बाद आपको यहाँ पे बिल्कुल भी चिप चिप या फिर ऑयली या स्वेटी फील नहीं होता, जिसकी वजह से ये बॉडी लोशन मुझे इतने ज्यादा पसंद आए इवन इन समर के मौसम में भी। तो चलिए अब मैं बात करना चाहूंगी इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पे आप साइड बाय साइड इन दोनों ही प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट देख सकते हैं। इन दोनों बॉडी लोशन में 5 इंग्रेडिएंट कॉमन डाले गए हैं जैसे कि ग्लिसरीन, नासिनमाइड, स्क्वालेन, हेलोरोनिक एसिड एंड सेरामाइड। ये 5 इंग्रेडिएंट है जो आपको इन दोनों ही बॉडी लोशन में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो मेन डिफरेंस है वो है मेन इंग्रेडिएंट्स में, जैसे कि रेटिनॉल वाले में आपको रेटिनॉल एंड कोलेजन मिल रहा है जबकि एएचए बीएचए वाले में आपको लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड मिल रहा है। तो एएचए बीएचए वाला जो है वो मेनली अगर आपको डेड स्किन की प्रॉब्लम है या फिर एक्ने, बॉडी एक्ने की प्रॉब्लम है उसके लिए फॉर्मुलेट किया गया है जबकि रेटिनॉल एंड कोलेजन वाला एक वर्सेटाइल प्रोडक्ट है जो ना सिर्फ आपकी बॉडी को डीपली हाइड्रेट करेगा इसके अलावा अगर आपको स्क्रैच मार्क हैं या फिर अगर आपकी बॉडी पे किसी भी टाइप की पिगमेंटेशन वगैरह है उन सबको भी दूर करने में आपकी हेल्प करेगा। रेटिनॉल एक्ने को ट्रीट करने और आपकी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करने में भी आपकी काफी मदद करता है।
तो जैसे कि मैंने इन दोनों के बेनिफिट्स बताए, तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप इन दोनों में से कोई एक लेने की सोच रहे हैं तो आप रेटिनॉल वाला लें, क्योंकि रेटिनॉल वाला वो सारे के सारे काम करता है जो आपका AHA BHA वाला भी करेगा, क्योंकि ये एक्सफोलिएट भी करेगा जेंटली आपकी स्किन को, पिगमेंटेशन अगर आपको है तो उसे भी रिमूव करेगा। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी पे किसी भी टाइप के स्ट्रेच मार्क्स वगैरह हैं उसे भी रिमूव करेगा। हाँ, बस एक ही इशू है कि इसमें हल्की सी फ्रेग्रेंस यूज की गई है, बट वो बहुत ही सटल और माइल्ड है। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ही तो वो मुझे बॉदर करती है। और इसके रिजल्ट्स देखने के बाद मुझे ये बॉडी लोशन बहुत अच्छे लगे। मैंने अभी तक द डर्माको के बॉडी लोशन यूज किए हैं, वो भी अच्छे हैं। डॉक्टर शेड के बॉडी लोशन यूज किया, वो मुझे लगता है सर्दियों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, वो मुझे थोड़े से हैवी लगते हैं गर्मियों के लिए। इसके अलावा मैंने एक्वालॉजिका की कोल्ड क्रीम भी यूज किए हैं, बॉडी लोशन भी यूज किए हैं मुझे। लेकिन उन सबको यूज करने के बाद लगता है कि इनकी जो फॉर्मुलेशन है वो ज्यादा बेटर है, कंपोजिशन वाइज भी और आफ्टर इफेक्ट वाइज भी। अब बात करना चाहूंगी कि आपको इन्हें कैसे यूज करना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रात में यूज करना होता है, और सिमिलरली AHA BHA जो है वो आप वीक में दो बार से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। तो एक तो यही ड्रॉबैक है AHA BHA वाले की, इसलिए भी मुझे लगता है रेटिनॉल वाला लेना ज्यादा बेनिफिशियल होगा एज कम्पेयर टू AHA BHA वाला। एक तो रेटिनॉल में आपको 1% रेटिनॉल मिल रहा है, तो इसीलिए आप इसे डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। इसमें कम से कम भी 2-3% की कॉन्सेंट्रेशन के साथ नासिनमाइड मिल रहा है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट एंड ह्यूमेक्टेंट का इसमें आपको ब्लेंड मिल रहा है। तो ये जो बॉडी लोशन है मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप इसे सिर्फ और सिर्फ रात में यूज करें। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है और आपको इसे दिन में भी यूज करने का मन है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उस बॉडी पार्ट पे इसे यूज करें जो सन में एक्सपोज्ड नहीं है। तो ओवरऑल मुझे दोनों ही अच्छे लगे, बट ये जो AHA BHA वाला है ये मैं आपको कहूंगी कि वीक में मैक्सिमम आप 2-3 बार यूज करें, उससे ज्यादा यूज ना करें, क्योंकि ये जो रेटिनॉल वाला है इसे आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। इन दोनों ही बॉडी लोशन को मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि सिर्फ और सिर्फ रात में यूज करें। इवन अगर आप इन्हें सिर्फ रात में भी यूज कर रहे हैं तब भी आपकी जो बॉडी है एटलीस्ट गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज्ड और हेल्दी बनी रहती है दिन भर। तो गाइज मुझे उम्मीद है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये क्विक रिव्यू कम कंपैरेटिव वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा ताकि ये आप जैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर कर सकते हैं, मैं इसी टाइप के ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करते रहती हूँ। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू, बाय बाय।